हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं नैनशा आज आप लोगों के लिए फिर एक और कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। आज जो हमारी रीडिंग होगी उसका टॉपिक ये होगा कि जो आपके पार्टनर हैं, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम अपने पार्टनर से अगर किसी कनेक्शन में हैं, राइट, किसी कनेक्शन में हैं, तो क्या वो कनेक्शन हमारा ट्रू है, यानी कि सच में हमारा पार्टनर हमसे प्यार करता है, ठीक है ये चीज़, या फिर हम अपने ही थॉट्स में चल रहे हैं, यानी कि इमेजिनेशंस, ठीक है, ये चीज यहाँ पर पता चलती है। तो हमें यही चीज यहाँ पर देखनी है कि क्या आपके थॉट्स हैं ये कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, या यहाँ पर ट्रू लव है, या फिर ये सच में एक ट्रू लव है, राइट, ये चीज यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। ओके, जब तक मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ तब तक आप प्लीज अपने माइंड में अपने पार्टनर का नाम लीजिए, सोचिए, ठीक है, और विजुलाइज करिए, उनकी तस्वीर को अपने सामने लेके आइए, ठीक है, ये चीज आप देखिए। ओके, और आज मैं आपसे एक चीज भी शेयर करूंगी। ओके, आज मैं वैसे कोशिश करूंगी, मतलब थोड़ा मैं शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूंगी, बाकी अगर मैं रीडिंग में खो गई तो इसमें फिर मेरी गलती नहीं है, फिर तो लॉन्ग ही हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है, इसलिए शॉर्ट कह रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ। मैं एक सेमिनार, हमारा जो सेमिनार होता है, मैं एक सेमिनार में गई थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। आज मैं एक सेमिनार में गई थी, तो जो हमारा सेमिनार होता है वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े टैरो रीडर्स आते हैं, ठीक है, और आधे से ज़्यादा वहाँ पर एब्रॉड के होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो जो आज आए थे, ये चीज़ मेरे साथ पहले भी घटित हुई है, आज भी हो गई। ये चीज़ था कि मैं ज़्यादातर सेमिनार्स में साड़ी पहन के जाती हूँ, आज फर्स्ट टाइम थोड़ा मैंने वेस्टर्न लुक दिया था अपना। किसी एक फॉरनर थे, ठीक है, फॉरनर ही थे, एंग्लो इंडियन फॉरनर, ठीक है, क्योंकि उनकी वाइफ फॉरनर है, वो एंग्लो इंडियन, मतलब तो उनकी जो वाइफ थी वो आई थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे करके बोला था कि आपके जो हेयर का रेड कलर आधी अधूरी, वो हिंदी बोल पा रही थी क्योंकि वो प्रॉपर फॉरनर थी, तो वो हिंदी नहीं बोल पा रही थी, तो कहते रेड कलर, आपके हेयर का रेड कलर बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि मेरे बालों में रेड कलर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे चीप कलर पसंद नहीं है, तो मैंने रेड कलर मैंने कहा फेयर, तो फिर उन्होंने कहा कि मिडिल एरिया, तब उन्होंने तो फिर मेरे को लगा, मैंने कहा ये चीज़ वाकया मेरे साथ पहले भी हुआ था, इस बार भी, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये, तो फिर उन्होंने कहा कि यस दिस साइड, तो फिर मैंने तब उन्हें ये बताया कि आई थिंक आप अब्रॉड में रहते हैं और आपके हस्बैंड इंडियन है, आपको शायद वो रिचुअल्स पता नहीं होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये इंडियंस जो आफ्टर मैरिज होती हैं गर्ल्स, वो ये लगाती हैं, ठीक है, ये रेड कलर नहीं है, ये हमारे प्यार की निशानी होती है, एक तरीके से सिंदूर बोलते हैं इसको, सिंदूर, वो बोल नहीं पा रही थी, वो कहती सिंदूर ऐसे करके उन्होंने बोला था, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मगर मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी, आपको पता ही मुझे हंसी बहुत आती है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मगर आई रियली रियली लाइक इट, है ना, तो बहुत उन्हें अच्छा लगा वो, और उन्होंने कहा कि मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ऐसे हिंदी करके बोली थी, मुझे अच्छा लगा उन्होंने हिंदी में बात करी, क्योंकि जब हम हिंदुस्तान में रहते तो हिंदी बोलनी चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी लगी उन्हें। तो मैंने यही बोला कि हमारी निशानी होती है कि हम सुहागन हैं, इससे पता चलता है, और अपने सुहाग की लंबी कामना के लिए ये लगाया जाता है, राइट,
ये चीज़ पता चलती है यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये भी बोला था यहाँ पर कि ये भी चीज़ मैंने बोली थी यहाँ पर कि जैसे आप चाहो तो आप भी लगा सकते हो, क्योंकि आप ऑब्वियसली इंडियन से शादी करी है आपने, इस वजह से ये चीज़ भी बताई थी मैंने। तब वो उन्होंने कहा था कि मेरे पास नहीं है, तो अब मैं उन्हें कोरियर में एक साड़ी और एक सिंदूर की डब्बी दूंगी। फर्स्ट टाइम मैं किसी को ऐसे दे रही हूँ, क्योंकि मेरे इन लॉज में मेरी इन लॉ नहीं है, तो मैं उन्हें दूंगी। वो मुझसे काफ़ी बड़ी थी, ठीक है, तो उनको मैं दूंगी। तो उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऑब्वियसली ये मेरे प्यार की निशानी है, जो मैं रीडिंग के टाइम पे और हर त्योहार पे लगाती हूँ। एनीवेज पहले तो हम आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकिंग करेंगे, ठीक है, कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या आता है। ओहो, जस्टिस देना चाहते हैं किसी तरीके का। ओ गॉड, टावर आया आपके। नो कांटेक्ट में हो आप लोग। वाई नो कांटेक्ट? स्ट्रकिंग एनर्जी। कौन स्ट्रकिंग? कुछ लोगों को ब्लॉक करा हुआ है आपके पार्टनर ने। ये चीज भी यहाँ पर दिख रही है कि ब्लॉकेज दिख रही है यहाँ पर, कि ब्लॉक करा हुआ है आपके पार्टनर ने, ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिख रही है। या फिर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो बहुत कम दिख रहे हैं। टावर को क्लैरिफाई करिए प्लीज। ओके, वर्ल्ड आया, इसको भी ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है फाइव ऑफ पैलेसेस, सॉरी फोर ऑफ पैलेसेस। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, मे बी आप लोगों का कोई ट्रूथ रिवील हुआ है, आपके पार्टनर का कोई ट्रूथ रिवील हुआ है आपके सामने, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि कोई ट्रूथ रिवील हुआ है आपके पार्टनर का आपके सामने। मे ये पता चला हो कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, ये पता चला हो, या किसी और के साथ रिलेशन में है, आपके साथ रहते हुए भी किसी और रिलेशनशिप में गए, ये चीज़ पता हो सकती है, ठीक है, या उनके बच्चे हैं, मैरिड हैं, ये सारी चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ रिवील हुई है आपके सामने, अचानक से आपको पता चला है, ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पता चल रही है यहाँ पर कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप और आपके पार्टनर का, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर ने मे बी आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा, ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि ये भी दिख रहा है कि शायद पास्ट में आपके पार्टनर ने काफी इमेच्योरिटी दिखाई होगी, इमेच्योर लेवल में रहे होंगे, कि मैच्योर हैं मगर अपना इमेच्योरपन दिखाया होगा कहीं ना कहीं, ये चीज नजर आ रही है मुझे आपके पार्टनर की, ठीक है। करेंटली राइट नाउ वो क्या सोच रहे हैं, करेंटली में तो यही चीज नजर आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा गुस्से में भी नजर आ रहे हैं, उन्हें थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है, ये चीज़ नजर आ रही है कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। या फिर इन्हें ये चीज़ लग रही है कि काश मैं ये सच्चाई पहले बता देता या बता देती, राइट, या फिर ये ऐसे कनेक्शन में इतने ज्यादा स्टक हो रखे हैं, ठीक है, कि उस सिचुएशन में चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं, या तो फिर ये किसी ऐसी शादी में बंधे हुए हैं जहां पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, जहां से ये निकल नहीं सकते हैं, ये चीज यहाँ पर दिख रही है कि ये चाहकर भी नहीं निकल सकते हैं, चाहते तो हैं कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, काफी फायरी एनर्जी है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, राइट, आपकी कुछ पुरानी बातों को बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं। मे बी शायद आपने कुछ ऐसी हार्श वर्ड बोल दिए हैं इन्हें, जो ये
सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर अपने थोड़े से कदम पीछे कर लेते हैं, ये चीज यहाँ पर दिख रही है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं मगर कहीं ना कहीं डर रहे हैं, इनके अंदर ना डर है। इन्हें ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर का कि ये जो है ना कि मैंने ये क्यों किया, मैं काश सच बता देता या कुछ सच्चाई से शुरू कर देता या कर देती कनेक्शन को, तो मे बी शायद आज इतनी सारी चीजें होती नहीं, इतना डिले नहीं होता, इतने हमारे नो कांटेक्ट नहीं होते, सेपरेशन नहीं होता अगर मैं अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं टाइम देता या देती। ये चीज भी यहाँ पर मुझे कहीं हद तक नजर आ रही है, राइट। ये भी दिख रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर या आपको आपका या फिर आपके पार्टनर की थोड़ी मुझे हेल्थ इश्यूज नजर आ रहे हैं, ठीक है, हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं। आपके पार्टनर को ना हीलिंग की जरूरत है, हीलिंग की। इनके ना चक्रास डिसबैलेंस है बहुत ज्यादा, ये बहुत सोच विचार चल रहे हैं इनके माइंड में, कंटिन्यूसली सोच रहे हैं कनेक्शन के बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में, ठीक है, जो आप लोगों का कनेक्शन, हमारा कनेक्शन, ठीक है, वो जो आपका कनेक्शन, आप दोनों का कनेक्शन, उसके बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा ना ये पूरे दिन तो अपने आप को बिजी रखते हैं मगर कभी कभी ना आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ये गुस्सा भरी हुई है इनके अंदर, थोड़ा ना परेशान भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर, किसी चीज को लेके परेशान है, परेशानी बहुत दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। और ना इनके अंदर हिम्मत नहीं है, मे बी शायद आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है कि आपको फेस कैसे करें, ये चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में, ठीक है। राइट नाउ मैं ये देख लेती हूँ कि आपको लेकर ये क्या सोच रहे हैं, ठीक है, आपको लेके इनकी क्या एनर्जीज हैं, दूसरे डेक से देखूंगी कि आपके लिए कैसी थिंकिंग रखते हैं, ठीक है, आपको लेकर क्या सोचते हैं, ये क्या थिंकिंग है आपको लेकर इनकी, राइट। नो कॉन्टेक्ट तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 80-90% तो बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट में है, बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है यहाँ पर बहुत से लोगों का, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर ना ईगो बहुत ज्यादा है, बहुत ईगोस्टिक है। आपके पार्टनर आपके कनेक्शन को लेकर राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, आपके प्यार को लेके क्या सोचते हैं, आपको लेके क्या सोचते हैं, ये चीज यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ठीक है। वन सेकेंड, मैं क्लैरिफिकेशन भी ले रही हूँ साथ में। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, मे बी इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, किसी चीज को लेके। मे बी आपके अंदर आपके लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पता चल रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी पता चल रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस आप फिजिकली भी हो सकते हैं, नो कॉन्टेक्ट में है तो वो भी कहीं ना कहीं फिजिकली डिस्टेंस बताता है आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिख रही है। दूसरा, यहाँ पर इमोशंस तो है आपको लेकर, ठीक है, आपके साथ बहुत ज्यादा जैसे एस ऑफ वाटर है यहाँ पर, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ओवरफ्लोइंग दिख रहा है यहाँ पर। मे बी शायद कई बार मिस करके रो भी देते होंगे, ठीक है, ये चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। मगर घमंड, ईगो, एटीट्यूड इतना है आपके पार्टनर के अंदर क्योंकि किंग ऑफ फायर है, ठीक है, इतना ज्यादा है कि ये बंदा ना झुकना खुद से तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। वो ये सोचते हैं कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों पहल करूं, ठीक है। आप एक बार एक मैसेज कर दें, ठीक है, आप कुछ ना कुछ कह दें, ये चीज उनको यहाँ पर दिख रही, सोचते हैं वो कहीं ना कहीं
ठीक है, ये चीज यहाँ पर पता चलती है। दूसरा, थ्री ऑफ अर्थ से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं मे बी शायद ये किसी टीम वर्क में है, ठीक है, या फिर ये अभी हाल फिलहाल अपने फाइनेंस वगैरह इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, राइट। ये चीज भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। दूसरी चीज मुझे ये चीज भी यहाँ पर दिख रही है कि हर्मिट मोड है, ठीक है, हर्मिट मोड भी दिख रहा है यहाँ पर। हर्मिट मोड नजर आ रहा है, तो उससे ये पता चलता है कि अगर ये हर्मिट मोड पे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आने वाले टाइम पे शायद ये आपसे बात करने की सोचे, क्योंकि इनके अंदर धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे हो रही है, एकदम से नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि पहले भी हीलिंग का कार्ड आया था, ठीक है। हैंग्ड हो रखे हैं, सिचुएशन में हैंग्ड हो रखे हैं, क्योंकि ये आप पे हैंग्ड हो चुके हैं। बात करूं ना करूं, खुद से कॉल मैसेज करूं ना करूं, आगे इस रिलेशनशिप में आऊं या ना आऊं, ये कहीं ना कहीं एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके साथ कहीं ना कहीं एक रोशनी महसूस करते हैं, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अबंडेंस है, इस कनेक्शन में आपके साथ कोई ना कोई ब्राइटनेस है, क्योंकि शाइन नजर आती है आपके कनेक्शन में, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। मगर इनके अंदर स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मे बी शायद ये गए बहुत चौड़े में होंगे कि मूव ऑन, ठीक है, ये चीज यहाँ पर इन्हें लग रही है। मगर इन्हें लग रहा है कि गया तो मैं ही था अपनी तरफ से, गई तो मैं ही थी, मगर अब मैं दोबारा से कैसे एंट्री करूं इस कनेक्शन में, ये चीज भी है, ठीक है। और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मगर स्टक हो रखे हैं, माइंड में स्टक है, दिल और दिमाग दोनों एक साथ चलते हैं इनके, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर है ना, थोड़ा दिमाग से बहुत चलता है, दिल की सुनता ही नहीं है। अगर दिल सुनाना भी चाह रहा है ना, इन्हें कुछ सुनना नहीं है इन्हें दिल की, ठीक है। रातों में नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इनका, ठीक है, रातों में नींद नहीं आती, आपका कनेक्शन इन्हें सोने नहीं देता, आपका प्यार इन्हें सोने नहीं देता है, ठीक है, आपकी बातें इन्हें सोने नहीं देती, आपका केयर इन्हें सोने नहीं देता है, मगर ये स्टक है, मे बी ये दो चीजों में स्टक है। अगर आप किसी कमिटेड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो मे बी शायद ये अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा फंस चुका है और ये अभी उधर ही ध्यान दे रहा है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, तो इन्होंने ये सोचा कि बेहतर है कि मैं मूव ऑन हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, शायद आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, ये चीज इन्हें लग रही है आपके रिलेशनशिप में, ये सोच रहे हैं। मैंने कहा ना कि बाय एज ये मैच्योर हैं, मगर इनके दिमाग और सोचने समझने की शक्ति है ना बहुत इमेच्योरिटी है, बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेव करते हैं आपके पार्टनर, ये चीज नजर आ रही है। आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं गोस्ट किया है, ठीक है, गोस्ट इन द सेंस कहीं ना कहीं चीटिंग, यानी कि आपको छोड़ दिया है, आपको एक तरीके से बीच मजदार में भी छोड़ा है इन्होंने, बीच में हैंग्ड करके छोड़ा था, बीच रास्ते में छोड़ के चले गए, ठीक है, आपको आपको कोई रीजन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया और चले गए बस आपकी लाइफ से। और अगर आपने इन्हें ये कहा भी होगा कि ठीक है, जब तुम मेरी लाइफ में आना नहीं चाहते हो, प्रॉपर रहना नहीं चाहते हो, सारी चीजें अगर आपने ये चीज बोली भी है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब तुम्हें मुझे लटका के रखना है तो ठीक है, मूव ऑन हो जाओ, मत आओ मेरी जिंदगी में। जब तुम्हें ऐसे ही लगता है कि ठीक है मैं ऐसी मैं वैसी, तो ठीक है लेट गो करो इस चीज को। तो जब उन्होंने लेट गो कर दिया या जो भी कुछ है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। मे बी शायद 50-50 चांसेस हैं कि मे बी शायद आपको स्टॉक कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों का यहाँ पर ब्लॉकेज नजर आ रही है, या तो फिर आपको ब्लॉक कर रखा है, या फिर आपका नंबर डिलीट कर रखा है। कुछ लोगों का तो ये लग रखा है कि आपकी निशानियां ही खत्म कर दी है उस बंदे ने, निशानियां इन द सेंस, जैसे आपके अगर कोई गिफ्ट्स दिए हुए हैं, अगर आपके कोई चीज है, अगर आपकी कोई पिक्स है, सारी चीजें ये डिलीटेड नजर आ रही है, मतलब यानी कि उन्होंने फाड़ दी है, फेंक दी है सारी चीजें, ये सब चीजें नजर आ रही है, ठीक है। और क-
कर तो दिया ये गुस्से में उन्होंने कि फाड़ दी, डिलीट कर दी एंड ऑल, न जाने क्या क्या फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में करिए, गुस्से में, ठीक है। बहुत ज्यादा गुस्सा है इनके अंदर, फायर साइन वालों के अंदर होता है क्योंकि फायर यहाँ बहुत दिख रहा है, ठीक है। ऐसा करो उन्हें इस पे बिठा दो, सॉरी। जब मुझे ना अब हंसी आती है, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था ऐसी एनर्जीज में ना, अब मुझे हंसी आती है। हंसो, हंसने से अच्छा हमारा खून बढ़ेगा, ठीक है। वर्ल्ड अभी वो पता है क्या कर रहे हैं, चाहे वो कहीं पर भी अपना मन बहलाने के लिए 10 लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, किसी से भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ले देके ना आपकी तरफ अटक जाते हैं कभी कभी। लवर्स की एनर्जी है, उन्हें ऐसा लगता है चाहे मैं कितने भी लोगों से मिल लूं या मिल लूंगी, कितने भी अफेयर्स कर लूं, वो जो एक कनेक्शन था ना उसके साथ, जैसे आपके साथ, ठीक है, वो जो एक कनेक्शन था, वो जो प्यार दिया था, वो जो टच थे, ठीक है, वो जो जज्बात थे, वैसा किसी के साथ फील नहीं हुआ अभी तक। ये सोचते जरूर है, इतना सोच लेना काफी है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है, ओके। आपके प्यार को लेके तो यही सोच रहे हैं वो। जिंदगी खुश रहने के लिए खुश रहो, लोग आते हैं जाते हैं, धोखा देते हैं चले जाते हैं, जाने दो, जाने दो। ये देखती हूँ क्या वो आपको मिस करते हैं, ठीक है, क्या वो आपको मिस करते हैं। मैं हंसना चाहती नहीं हूँ मगर मुझे हंसी आ जाती है, मेरी हंसी को देख के तो यहाँ पर आधे से लोग, ज्यादा लोग मेरी हंसी से ही पहले क्लू लगाने लगते हैं कि यहाँ पर जरूर कोई कार्ड ऐसा आया होगा और हमें अच्छा सुनने को मिलेगा। यस, मिस करते हैं और मिस करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, उसको फिर इरेज कर देते हैं, और जब ये बार बार करते हैं और फिर इरेज करते हैं, बार बार करते हैं, फिर इरेज कर देते हैं, तो उन्होंने इस फ्रस्ट्रेशन आपका नंबर ही डिलीट कर दिया कि मैं पागल बनूंगा या पागल बनूंगी, बार बार इसको स्टॉक करती रहूंगी, स्टॉक करता रहूंगा, ठीक है, कब ऑनलाइन आई है, कब ऑनलाइन गई है, गया है, बेटर है नंबर डिलीट करो, मैं तो पागल हो जाऊंगा इसको चेक कर करके ये सारी चीजें ना, तो उन्होंने आपको हटा दिया है, ठीक है। हाल फिलहाल इनको ऐसा लगता है ये मिस करते हैं, इनकी ना ड्रीमिंग में पता है क्या होता है कि ये आपसे शादी कर लें, आप इनकी लाइफ में आ जाओ, आप इनकी वाइफ बन जाओ, ठीक है, आप इनके पार्टनर बन जाओ, ये चीज कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, ये आपको अपने ना सीने से लगाना चाहते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट समझते हैं, मैंने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ऐसी फीलिंग आती है उनको, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको ना एक क्वीन की तरह देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि ये मेरी क्वीन है, ये मेरी क्वीन है, ये मेरी है। मे बी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा ना सोशलाइज हो रहे हो, पिक्स डाल रहे हो इंस्टाग्राम में, FB में, जिस भी एरिया में हो आप बहुत ज्यादा सोशलाइज हो रहे हो, और वो ना कहीं ये देख रहे हैं इससे मैंने कभी प्यार किया था, और आज आपको बहुत सी दुनिया, बहुत से लोग आपको आज प्राउडली देख रहे हैं या आपको बहुत ज्यादा एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलस फील भी हो रही है उन्हें कि ये मेरी लाइफ में नहीं है, मैंने इसे छोड़ दिया, मैं इसके साथ अब रिलेशन में नहीं हूँ, ये कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है उनके अंदर, ठीक है, ये चीज दिख रही है। मैं क्यों पास्ट में दो चीजों में जगल करता रहा या करती रही, मैंने क्यों अपने पार्टनर को टाइम नहीं दिया, केयर नहीं दी, जब वो मांगती रही वक्त, प्यार, ठीक है, कद्र, ये मांगती रही, मांगता रहा, मैंने क्यों नहीं दिया, मैं जगलिंग में लगा रहा, ठीक है। इन्हें ना कई बार ना खुद पे भी गुस्सा आती है, कई बार खुद पे भी गुस्सा आती है इन्हें, मैसेज करते हैं डिलीट कर देते हैं,
आपका पार्टनर ना दो मुंह वाला सांप है, दो मुंह वाला सांप है, सामने कुछ दिखाता है पीछे कुछ और हो जाता है, ठीक है। मगर जो भी है प्यार बहुत करता है आपका पार्टनर, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ गंदी एनर्जी नहीं आ रही है, फुल मून वाले दिन तो बहुत खराब एनर्जीज आ रही थी, एनर्जीज वो शायद मैसेज किसी और के लिए होगा, ठीक है, ये मैसेज किसी और के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग देखते हैं तो एनर्जीज हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए नहीं कर सकते, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत लोग देख रहे हैं, शायद वो एनर्जीज किसी और के लिए हों, आज की एनर्जीज किसी और के लिए हो सकती हैं, ठीक है। क्या वो आपके लिए कभी कभी भी जज्बाती होकर रोए हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं। क्या उनके आँख से कभी आंसू आए हैं, आँख में आंसू आते आते छलके नहीं है, भरे जरूर है। भरे ये भी हो सकते हैं कि भरे इन द सेंस ऐसे हुए हों कि शायद वो आपकी तस्वीर को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और शायद वो देखते देखते इतना खो गए होंगे कि वो उनकी आंखें झपकी ना हो, ऐसे भर गई हों, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि मे बी शायद रात के समय वो कभी अगर अकेले में बालकनी में बैठे हैं, छत पे चले गए हैं, ठीक है, थोड़ी फ्रेशनेस के लिए, तो वो अगर आपको याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तब हुआ हो ऐसा। मे बी मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें चांद सितारे बहुत ज्यादा पसंद होंगे, तो वो कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि मेरे पार्टनर को चांद सितारे बहुत ज्यादा पसंद है, ये सोचकर वो आसमान में देखते देखते थोड़ा सा इमोशनल हो गए होंगे, ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। उन्हें इनके अंदर ना घमंड बहुत है, घमंड ये इस चीज का है कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो कर नहीं सकती मुझे कॉल, वो मुझसे बात कर नहीं सकती है, कर ले एक बार, कर ले प्लीज, एक मैसेज आ जाए मैं फौरन उसको जवाब दे दूंगा या दे दूंगी, एक बार मैसेज कर ले, ऐसी चीज नजर आ रही है। आपके ऊपर ना विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये ना कबीर सिंह वाला बंदा है कि ये मेरी बंदी है ये मेरी बंदी है, ये मेरी ही बंदी रहेगी, ठीक है, ये किसी और की बंदी हो नहीं सकती है, ऐसी वाली वाइब्स लेके आते हैं। यार सब लोग कबीर सिंह क्यों बनते हो, कबीर सिंह आपको क्या ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्यार करने वाला है, अरे वो पागल था, साइको, ठीक है, प्यार ऐसा नहीं होता है कि कोई पागलपंती में काम करे। कबीर सिंह बनने की जरूरत नहीं है, खुद के कबीर सिंह बनो, खुद का जज्बात, खुद के प्यार क्रिएट करो, हम किस तरीके से प्यार कर सकते हैं किसी को, ठीक है, कबीर सिंह बनने की जरूरत नहीं है, ये फालतू की ड्रामास अच्छे नहीं लगते हैं, खुद का प्यार ओन करो, खुद का प्यार क्रिएट करो, ये चीज ज्यादा बेटर लगती है, ठीक है। कबीर सिंह का तो कुछ भी अच्छा नहीं था, हाँ कबीर सिंह की एक चीज अच्छी लगी थी, जो वो एक साथ सिगरेट पीता है ना, वो अच्छा था बस स्टाइल, और उसका एक सीन अच्छा था जब वो अपने रोड पे चल रहा होता है, और रोड पे चलते चलते जब वो रोने लगता है ना, उसका दोस्त आके कहता था कि तू रो रहा है, ठीक है, तब वो ये कहता ना कि मैं उसको सच में मिस कर रहा हूँ, उसे मैं भूल नहीं सकता हूँ, वो थोड़ा सा इमोशनल करने वाला टाइम था, बाकी पूरी पिक्चर दिमाग खराब करने वाली थी, ठीक है। आप मैंने कहा ना कि ये आपको बॉटम ऑफ द डेक में कहीं ना कहीं आपको अपनी क्वीन समझते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी क्वीन बनके रहें, ये पता है आपको किस तरीके से, आपको ना ऐसे चाहते हैं कि आप इनकी क्वीन बनके ना बैठ जाओ एक सीट पे, ठीक है, ये आपको ना निहारें, आपको देखें, आपको ना सजाएं, आपको ना इनका ना मन करता है कि आपको सजाने का। मे बी शायद जो मेरे व्यूअर्स है ना, वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगी, और जो बॉयज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। इनका मन करता है, अगर मैं क्वीन बोल रही हूँ तो कुछ किंग की अपने ले लेना, ठीक है, उनका मन करता है कि मैं अपनी राजकुमारी को सजाऊं, इन कपड़ों में देखूं, उन कपड़ों में देखूं, ऐसे देखूं, वैसे देखूं, वो किन किन चीजों में खूबसूरत लगती होगी, कैसी लगती होगी, कैसे अगर ये पहनेगी तो वो कैसी लगेगी, कहीं ना इनकी ड्रीमिंग चलती है आपको लेकर, ठीक है, ये चीज भी नजर आ रही है यहाँ पर।
ये सोचते सोचते ना कई बार थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो और आप इनके नहीं हो। ओके, और अगर अगर आप लोगों के बीच में कोई इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, तो वो आपके साथ क्या करते हैं, मतलब वो आपके साथ कैसी लाइफ अपनी गुजारने की सोचते, ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि मैं कैसी लाइफ स्पेंड करूं अपने पार्टनर के साथ। वाओ, वन सेकंड, चेक किधर कर दूं। ये डेक कभी गलत आंसर दे ही नहीं सकता, ठीक है। मेरी सोच और मेरे दोस्त की सोच सेम थी। वाओ, ये तो कहो ना प्यार वाली स्टोरी बना रहा है आपका पार्टनर। अरे यार, कार्ड ऐसे क्यों आ जाते हैं। एक कार्ड आया है यहाँ पर द स्टार, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार आया है, दूर से बताया है, ठीक है, क्योंकि मैं फॉरनर नहीं हूँ, आई एम इंडियन, ठीक है, फॉरनर नहीं है। उनकी जो सोच है ना वो ये है कि वो आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहते हैं, ठीक है, चाहते थे, चाहते हैं, ठीक है, शादी करना चाहते हैं, आप पे अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको। कंट्रोल खराब में मत लेना, कंट्रोल ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा ही हक है, ठीक है, आपको कोई देखे ना, आपको कोई छुए ना, ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आती है आपके पार्टनर की साइड से। वो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी होती है ना, वो आप पे रखना चाहते हैं, एक अथॉरिटी वाला लेवल, ठीक है, ये चीज है आपको। दुनिया की नजर से ना इतना दूर ले जाना चाहते हैं कि उनको और आपको है ना कोई खोज ही ना पाए। कोई भी ना खोज पाए आप दोनों को, ये चीज नजर आती है। वो आप पे इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट बाय मनी नहीं, बाय लव, ठीक है, इतना इन्वेस्ट कि प्यार भी कम पड़ जाए, प्यार इतना कम पड़े ही ना, ठीक है, ये चीज नजर आ रही है। वन सेकेंड, बैटरी जा रही है मेरी, ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। फाइन, ये यहाँ पर दिख रहा है। वो कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं ये आपको ना दुआओं में मांगते हैं, दुआओं में ऐसे मांगते हैं कि इस जन्म में नहीं, हर जन्म में मेरा पार्टनर मेरा हो, ठीक है, ये चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। ये चीज ये दिखाता है यहाँ पर कि हर जन्म में वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, हर इस जन्म में अगर आप उसकी वाइफ नहीं बन पाए हैं या हस्बैंड नहीं बन पाए हैं तो वो ये चाहते हैं कि अगले जन्म में नहीं, हर जन्म में आप उसके बन के रहें, यही उनकी एक तमन्ना है, राइट। तो ये थी आज की रीडिंग, शॉर्ट थी थोड़ी, मैं बहुत टायर्ड हूँ, नेक्स्ट रीडिंग में कोशिश करूंगी थोड़ा लॉन्ग बना दूं, आपको सही से पूरे और आंसर्स दे दूं, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्ते।